आरटी में आपके जो स्कूल होता है, जो स्कूल संचालक है, उनको कैसे पता चलेगा कि भाई उनके स्कूल में कौन कौन से बच्चों का नाम अलॉट हुआ है और उनसे वो कैसे संपर्क करेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है वेबसाइट पर, आरटी की वेबसाइट पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आप लॉग इन का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन आपका वो ही है जो आपको आरटी के जो आईडी पासवर्ड स्कूल वालों, स्कूल संचालक के पास होते हैं, वही आपको वहाँ पर लॉग इन आईडी पासवर्ड आपको डालना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपका यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर लॉग इन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो ये होम बटन जो आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से पॉपअप को हटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है आवंटन। क्या लिखा है यहाँ पर? आवंटन, अपने स्कूल की आवंटन की जानकारी देंगे। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपके बच्चे आपको अलॉट हुए हैं आपके स्कूल को, वो सभी की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। और आप यहाँ से उनसे उनका आपको नाम रहेगा, प्रवेशार्थी का आवेदन क्रमांक लिखा रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, और आपकी कक्षा लिखी रहेगी, और साथ में मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, जिससे कि आप उनको फोन कर कर उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आपको हमारा स्कूल अलॉट हुआ और हमारा स्कूल में ऐसा है सिस्टम, आप आकर यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए। जो कि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है फोन से, मोबाइल ऐप के थ्रू, शिक्षा मित्र के द्वारा, जिससे कि आप ऑनलाइन एडमिशन रिपोर्ट करते हैं। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी स्कूल संचालकों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं मैं वो आपको सामने लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।